देखिए हरियाणा में व्यापार का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जो है वह अंबाला का है, जहां पर अंबाला कैंट के पूजा विहार इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का देर रात पुलिस से पर्दाफाश किया। आरोपी के लंबे वक्त से सेक्स रैकेट को पति पत्नी मिलकर चला रहे थे। पुलिस ने रेड मारकर दंपति समेत दो लड़कियों को मौके से गिरफ्तार किया। पकड़ी गई युवतियां पंजाब के मोहाली और यूपी की रहने वाली है। पुलिस को खबर मिली थी कि मकान में सेक्स रैकेट काफी लंबे वक्त से चल रहा है। डीएसपी अनिल कुमार का कहना है कि पुलिस यहां पर मुलाजमों को नोटों पर निशाना लगाकर भेजा और सेक्स रैकेट पर छापा मारकर रंगे हाथ यहां पर जो नोट है वो भी पकड़े हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है इस काले कारोबार में और कितने लोग शामिल हैं, इन तमाम चीजों को यहां पर खंगाला जा रहा है। तरुण नाम का व्यक्ति है और उसकी पत्नी जो है वो अपना यहाँ किराए का मकान में रहते हैं और बाहर से लड़कियां ले आकर के दूसरे राज्यों से भी हैं कि वो ग्राहकों को बुला करके पैसे के उसमें अनैतिक कार्य करवाते हैं और कमीशन खाते हैं और ऐसे वहाँ पे ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। इसी इन्फॉर्मेशन पर हमने जो बॉक्स ग्राहक उसको बोलते हैं वो हमने नोट दे करके साइन करके भेजा, तो वो ऐसी डील हुई, उनसे बरामद भी हुई और वहाँ से जो है दो पीड़ित युवतियां भी वहां से मिली हैं और पति पत्नी को उसमें हमने अरेस्ट कर लिया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई भी हमारे द्वारा